हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, एडवोकेट जी, कौन? जयभीम प्रकाश बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो नीलम मैडम जी हैं क्या? बताइए क्या काम था। नहीं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना था और कुछ नहीं। जी बताइए ना आप। हाँ देखिए, मेरा नाम है गोपाल शर्मा, ठीक है भाई जी। साहब? तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जो मतलब लोगों के अंदर जो मतलब ये जातिवाद, ये अच्छी बातें हटाना, क्योंकि सब एक समान है, सब हम सब एक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन मुझे बस एक बात का दुख है, जी जिस तरह आप लोग हमारे भगवान के ऊपर जो शर्मा टिप्पणी करते हैं ना, वो मुझे थोड़ा मतलब दुख महसूस होता है। जी, हम लोग जो हैं भगवान के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो उसमें हम लोग जो बातें करते हैं, अगर उन बातों में कुछ सच्चाई है, अगर कोई भी सच्ची बात है, तो उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। वरना अब ये बताइए कि कोई भी चीज जो आपके काम की है और हमारे भी काम की है, तो उसकी हम बुराई करेंगे क्या? नहीं, वो बात अलग है, आप आपकी जगह सही हो, लेकिन सुनने में बुरा खराब लगता है ना। नहीं, सुनने में देखिए बहुत कुछ खराब लगता है। अब वो सुनने में हमें भी खराब लगता है, क्योंकि ये ना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक समाज के ऊपर दूसरे समाज ने अत्याचार किया, ठीक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास नहीं, वो करना। तो नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं भी नहीं मानता, क्योंकि नहीं, थोड़ा हम शर्मा लोग। जी, मेरी बात थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आप हाँ बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपने जिस तरह से मेरे से बात की है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए आज जो है दो समाज हैं, ठीक है, जी एक समाज ने दूसरे समाज के ऊपर अत्याचार किए, ठीक है। अब जिस जी समाज ने जिस समाज के ऊपर अत्याचार किए हैं, उस समाज के आने वाले वंशज जो हैं, वो अपने पूर्वजों की पूजा करेंगे 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 ना। हाँ अब जिसके ऊपर अत्याचार हुए हैं, वो भी अपने पूर्वजों की पूजा करेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन जब उनको पता लगेगा कि भैया इस समाज के पूर्वजों ने हमारे समाज के ऊपर अत्याचार किए, तो वो जो अत्याचार जिनके ऊपर हुए, उनके जो वंशज हैं, वो उनका क्या करेंगे? आप बताइए मुझे। आप अब देखिए, मेरी बात सुनिए शर्मा जी। हाँ रामायण आपने पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी आपने? हाँ, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास हाँ, जी तो का जो है, मतलब उसी वाल्मीकि का रामायण मतलब की बात पावर करता हूँ दिया मैं। गया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में नहीं, शंबुक ऋषि का जो प्रसंग है, वो भी आपने पढ़ा होगा? वो वाला प्रसंग मैंने नहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ऐसे जो है संक्षिप्त में। अब जो शंबुक ऋषि है वो शूद्र है, ठीक है। जी और शंबुक ऋषि की हत्या जो है राम जी करते हैं, और राम जी जो है शंबुक ऋषि की हत्या इसलिए करते हैं क्योंकि शंबुक ऋषि जो है शूद्र समाज से है, और शास्त्रों के अनुसार शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तपस्या जी करने का अधिकार नहीं है। अब बताइए, ये जो एक जो राम जी हैं, एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शूद्र है जो शंबुक, वो दूसरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब दो समाज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं हुआ? अब हम अपने लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आप राम के प्रति जो है कोई घृणा द्वेष फैलाओ, लेकिन हम अपने लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं, देखिए राम जी ने जो कि उस समाज के हैं, हमारे समाज के शंबुक की हत्या की, अत्याचार किया। चलो, अब आपने तो बताइए, अब मुझे ये आपकी बात बताइए सुनी शर्मा शर्मा जी। जी, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, ठीक है? हाँ आप मेरी बात सुनिए। जी, आप मतलब जिस रामायण की बात करें, उसी रामायण को हमारे यहाँ भी पढ़ा जाता है, ठीक है? यहाँ पुराण होती है, हमारे जो गांव है ना, वहाँ पे कथाएं होती है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो कथाएं होती है, उसमें मतलब जैसे कोई मतलब शूद्र का तो नाम उच्चारण नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि किसी भी जाति को हम जो मतलब छोटी जाति है, उनको शूद्र नहीं बोलते हैं हम लोग यहाँ। नहीं शूद्र आप बोलिए मत बोलिए, लेकिन गांधी जी ने अपने मुख से खुद कहा कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो हिंदू धर्म का मूल है, आधार है, ठीक है। जी ये हिंदू धर्म से बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, अगर ये खत्म हो गई तो हिंदू धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये गांधी जी ने खुद शायद कहा। उन्होंने गलत बोला होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो मैं जिस नहीं गांव नहीं में, गलत नहीं बोला उन्होंने, मैं बताता हूँ, को गलत नहीं बोला, क्योंकि जिस तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था को अभी भी आरएसएस जो है समाज के भीतर जाकर वो ये नहीं कहती है कि जाति पाति खत्म हो जाएगी, वो ये कहती है कि देखिए भाई जाति पाति तो खत्म होगी नहीं, लेकिन एक चीज हो सकती है, वो है समरसता। अब समरसता क्या होती है कि हम लोग जो है जाति पाति को बनाए रखें, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है उठना बैठना खाना पीना शुरू कर दें, समझ रहे हैं आप बात कुछ है? हाँ तो कहने का मतलब ये है कि एक बेचारा जो अनजान व्यक्ति है जिसको समझ नहीं है, उसको आप किसी भी तरीके से समझा लीजिए आप जो है, तो वो आपकी बातों में आ जाएगा।
अब समानता नहीं देकर समरसता दे दी। समरसता और समानता बड़ा फर्क है। हम मांग रहे हैं समता, समता मूलक की स्थापना करना चाहते हैं समाज की जो है, और आप चाहते हो समरसता पूर्ण समाज की स्थापना। कितना भारी अंतर है। हम बिल्कुल पैदाइश जैसे हमारी हो रही है वैसे ही आप लोगों की पैदाइश हो रही है। तो जिस परिवेश में, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, उसी देश में पैदा हुए हैं, उस देश के समस्त संसाधनों पर जिस प्रकार से आपका अधिकार है, हक है, वैसे ही हमारा भी हक होना चाहिए। उन संसाधनों का जो है बिल्कुल बराबर तरीके से जो बंटवारा होना ही चाहिए। ये न्याय की कसौटी है। इस न्याय को हम मांग रहे हैं। वो शायद मैं कहता हूँ कहीं कहीं होता होगा, आज भी होता है। जैसे मैंने वो जालौर वाला जो मतलब सुना मैंने कहानी, जी है ना? जी जी, तो मैंने मेरे यहाँ के जो लोग हैं उनको भी बताया कि इस तरह का नहीं होना नहीं चाहिए। चाहे बच्चा, आखिर बच्चा तो बच्चा होता है, उससे थोड़ी पता है कि वो कौन है क्या है। शर्मा जी, आपके जैसे लोग बहुत कम है। और मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जिसने भी मारा है ना जी, वो टीचर को मटका तो कल दूसरा भी ला सकता था, लेकिन बच्चा तो ला के नहीं दे सकता। नहीं तो प्रॉब्लम उसके मटके में नहीं है ना, प्रॉब्लम तो उसके दिमाग में है। दिमाग में जाति का जहर भरा हुआ है। और आप मेरे गांव एक बार आए होंगे ना, आप खुश हो जाओगे कि हमारे गांव को देखकर, कि हमारे जो मेरे जो गांव है, मैं बता रहा हूँ, उसमें आप समझ लो हम ब्राह्मणों के घर कितना, 5 से 6 घर है ना, उसमें जाति, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा भी हमारे यहाँ अलग अलग बोलने वाले रहते हैं। एक ही गांव में 5-6 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं जी। बिहारी है, बंगाली है, नेपाली है, आदिवासी है, बोड़ो है, लेकिन आप हमारे गांव को देखकर खुश हो जाओगे, हम लोगों के बीच में कभी ऐसा मतलब भेदभाव है ही नहीं, मतलब तेरा मेरा मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग जो भी काम करते, मतलब जो भी कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, पूजा पाठ या मतलब सब साथ में, मतलब किसी को मंदिर में जाने आने ऐसा कोई रोक टोक है ही नहीं हमारे यहाँ। नहीं, हम लोग घोड़ी पे चढ़ना है, किसको हाथी पे चढ़ना है, उसकी मर्जी। देखिए मेरी बात सुनिए शर्मा जी। हाँ जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया के महानतम व्यक्ति थे, ठीक है जी, और इस बात से इस देश का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। अब उस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति से पहले बता रहा हूँ, राजा राम मोहन राय हुए, स्वामी सिद्धानंद हुए, ठीक है ना, और भी अनेकों संत हुए, उन्होंने जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उनको सुधारने का बड़ा प्रयास किया। हाँ, जैसे सती प्रथा हो, है ना, हाँ, मतलब बच्ची को तो मारते थे। बाबा साहेब ने भी कोई पैदा होते ही हिंदू धर्म नहीं छोड़ दिया। उन्होंने बड़े होकर जो है समस्त शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको एक निचोड़ उन्होंने निकाला कि भाई ऐसा है, ये जो इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो आदेश मिलता है ना वो शास्त्रों से मिलता है, धर्म ग्रंथों से मिलता है। इसीलिए ये जो मनुष्य है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी व्यक्ति हो, इवन शूद्र तक जो है वो पशुपत व्यवहार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको, उनके ऊपर जो है एक हाईकमान का आदेश है और वो उस आदेश को मानने के लिए मजबूर हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया ये व्यवस्था तो चेंज हो नहीं सकती है, बेहतर है कि इस व्यवस्था को छोड़ दिया जाए। अगर सुनिए, अगर इस व्यवस्था में चेंज की गुंजाइश होती तो आज हिंदू धर्म के लोगों ने भगवान बुद्ध को अडॉप्ट कर लिया होता और ये जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, विकराल हो गया होता, बहुत सुंदर हो गया होता। लेकिन भगवान बुद्ध को जो है अवतार बनाकर पूजा करवाना तो ये चाहते हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं को हासिल करके, उसको अडॉप्ट करके अपने मन मस्तिष्क को जो है पवित्र करना नहीं चाहते हैं। ये इनकी एक जो है बीमारी है। इसीलिए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है इसको छोड़ना पड़ा, और अपने लोगों को भी ये बोलना पड़ा कि आप इसको जितना जल्दी आप छोड़ सकें उतना बेहतर आपके लिए। मैंने छोड़ी है, देखिए सबको अपनी अपनी मर्जी है ना, कौन किसकी पूजा करता है, सबको अपने, जैसे मुस्लिम है तो उनके भगवान की भक्ति करते हैं। शर्मा जी, मैं सिर्फ आपसे एक ही कमिटमेंट कर सकता हूँ, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कि मैं कभी भी जो है घृणा और द्वेष से जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसा अपमानित करने के उद्देश्य से कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन अपने समाज को जागरूक करने के लिए मुझे बातें कहनी पड़ती हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा। आप आपका काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जातिवाद मतलब जो मतलब जैसे बहुत जगह मैं देखता हूँ ना कि मतलब जो बलि देते हैं हवन वगैरह करते समय, जी जी, ये भी बौद्ध धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी ये करते हैं, क्योंकि मेरे जो घर के पास आसपास ऐसे बहुत सारे घर है बौद्ध धर्म, तो वो लोग भी ये सब चीजें करते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं रोकते क्योंकि वो उनका काम करें, हमें उनसे कोई ये नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों के पास आना जाना बैठना एक मतलब फैमिली जैसा। देखिए आपकी बातें ठीक है, हर एक व्यवस्था के जो है ना, सुनिए, हर एक व्यवस्था के कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं, उन मौलिक सिद्धांतों को आधार बनाकर ही जांच की जाती है कि क्या ये सिद्धांत जो है ये आदमी इस धर्म का है या नहीं है, है कि नहीं है। हाँ,
इसी तरह से जिनको आप बौद्ध कह रहे हैं कि वो बौद्ध ऐसा व्यवहार करते हैं, वो भी ऐसे हैं वैसे हैं, तो बौद्ध धर्म के कुछ मौलिक सिद्धांत हैं, अगर उनको कसौटी बनाएंगे और जांच करेंगे तो पता लगेगा कि वो बौद्ध हैं या अबौद्ध हैं। खाली नाम रख लेने से बौद्ध नहीं होता आदमी से। जो यहाँ के जो उनके जो पंडित लोग है ना बौद्ध धर्म वाले, जो लामा बोलते हैं हमारे यहाँ, लामा बोलते हैं, मतलब उनका जो सरनेम होता है तामांग होता है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं जी। हाँ, तो वो वेस्ट बंगाल और मेरा मतलब जो गांव है सिलीगुड़ी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वो जो है ना आपका उधर का जो एरिया है, वहाँ पर बलि तो कहीं पर भी नहीं है बौद्ध धर्म में, आप जो बोल रहे हैं ना बलि, बलि तो कहीं पर भी नहीं दी जाती। नहीं नहीं मतलब उनका एक एक सिस्टम है, तो मैंने पूछा भी उनको, मतलब जब वो लोग मतलब धान की खेती करते हैं ना, तो धान की खेती होने के बाद जब नए फसल ले लेते हैं, तो मतलब ऐसा मतलब बांस का जो मतलब चावल मतलब छन्नी जैसा कुछ बनाते हैं, उसमें मतलब अच्छा। दिया वगैरह जलाते हैं, फिर उसमें जो मुर्गियां होती है ना, मुर्गी के जो गले काट के उसके खून वहाँ पे लगाते हैं, तो बोलते हैं ये हमारे देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। नहीं नहीं वो उनकी जो है ना लोकल, सुनिए सुनिए, वो जो ना उनकी लोकल मान्यताएं होंगी, क्योंकि ना बौद्ध धर्म का विस्तार जो है पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्तर पे हुआ। जैसे कि तिब्बत में भी बौद्ध धर्म गया, लेकिन तिब्बत के लोग जो है अंधविश्वासी थे, चमत्कार विश्वास करने वाले थे, तो वहां को जो है बौद्ध धर्म उसी पैरामीटर्स में दिया गया। तो कुछ जो लोकल जो मान्यताएं होती है ना, उन लोकल मान्यताओं का बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं होता। अब कोई व्यक्ति जो है जिस मान्यता को मानते आ रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बौद्ध धर्म के कुछ अच्छे सिद्धांत लगे उसको जो है उनको मानना चाहता है, तो वो आंशिक रूप से तो बौद्ध हो गया और आंशिक रूप से जो है वो अबौद्ध रहा। ठीक है ना? तो ठीक है शर्मा जी, आपका नाम क्या है? गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा है, लोगों को जागरूक होना भी चाहिए, हर लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन जब कोई हमारे जो मतलब जो हम जिसकी पूजा करते हैं जब उसके बारे में, नहीं मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा आपकी भावनाओं को जो है ध्यान में रखने की जो है, और मैं कभी भी जो है मतलब कभी आओगे तो मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। जी जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे आने का जो है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूं। ओके ओके।